बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को नवरात्रा के इस पर्व की और आज के दैनिक राशिफल की। आज बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही मां को प्रसन्न करने का विशेष दिन है। 15 दिन के पितृपक्ष का समय बीता और आज से शुभ और मांगलिक कार्य वापस करने का समय आ चुका है। इसके आप हमारे स्पेशल एपिसोड्स भी आप अलग से नवरात्रि के देख सकते हैं, घट स्थापना, विशेष विधि, मुहूर्त पूजन, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां जिनका आज नवरात्रि के इस पवित्र दिन पर जन्मदिन है। आज आप मां दुर्गा को प्रसन्न करने का दुर्गा चालीसा का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, नहीं तो 108 बार ओम सर्वा बाधा विरीन मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसाद इन भविष्य इन संशय, इस मंत्र का जाप करें और किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर अब आप प्रसाद चढ़ाएं, गरीबों को कुछ न कुछ भोजन अवश्य करवाएं और उन लोगों के लिए भी कर सकते हैं जो आपके परिवार के सदस्य जो आज जीवित रहे हैं। आज 10 अक्टूबर और बुधवार भी है। आज के दिन 1978 में राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली रोहिणी खादिलकर प्रथम महिला बनी थी। साथ ही के शिवराम कारंत कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार, बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह, भारतीय नौसेना के एडमिरल सरदार लाल मथुरादास नंदा, जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का नेतृत्व किया था, उनका भी आज जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि घट स्थापना है। आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में रहेगा। आज चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के तुला राशि में सुबह 11 बजे तक रहेंगे, उसके बाद तुला राशि स्वाति नक्षत्र में है। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 7:25 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि पूरे दिन रहेगी। वैसे तो आज के दिन से शुभ दिन शुरू हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग, शंख योग और गज केसर योग का भी लाभ मिलेगा और एक विशेष योग है कला निधि योग, वो भी आज बन रहा है। मेष कर्क तुला और मकर राशि वाले लोगों को रोचक योग और मालव योग का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन अंगारक दोष मंगल केतु का भी आज हमें परेशान करेगा। आज के दिन से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा, खरीदारी करने के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है। सुबह 7 से 9 या फिर शाम को 5 से 6 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 से 1:30 तक राहु काल रहने की वजह से आप इन काम को ना करें ना इनकी शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। मैं 12 अक्टूबर को दिल्ली, 13 अक्टूबर को हैदराबाद, 14 अक्टूबर को बंगलुरु और 19 अक्टूबर को गुड़गांव में रहूंगा। अगर आप इन शहरों में या इसके आसपास रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र बता रहा हूं, हो सके तो इसे अपनाइएगा जरूर। देखिए, हर सफल इंसान की जिंदगी में एक संघर्ष की कहानी जरूर होती है। सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं अनसक्सेस की कहानी भी होती है, तो संघर्ष न डरें। यदि आप संघर्ष कर रहे हो तो समझ लीजिए आपकी सफलता अब दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। आज की ग्रहों की स्थिति की बात करें तो कल जैसी ही है। राहु 4th हाउस में रहेंगे कर्क राशि के, सूर्य अकेले हो गए कन्या राशि में और एक चौकड़ी बन चुकी है शुक्र बुध गुरु और चंद्रमा के साथ बैठे से, और चारों ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं। बड़ा सुंदर आज का योग बन रहा है। यहाँ शनि धनु राशि के रहेंगे, मंगल केतु अंगारक दोष मंगल उच्च राशि के, इसी से मैंने आपका राशिफल तैयार किया है। शुरुआत करते हैं मेष राशि में। आज आपका हर हाल में पूरा ध्यान अपने जीवन साथी के साथ बैठकर पूजा करने का है। पति पत्नी, माँ बेटे, पूरे परिवार सहित आप कुछ विशेष धार्मिक और आयोजन करिए। ऑफिस या फील्ड की नई योजनाएं आपके लिए कामगार साबित होगी। आज आप हो सकता है कि ऑफिस जाने में डिले हो जाए, आज छुट्टी भी हो सकती है आपकी। आपको एक साथ कई तरह के काम करने पड़ सकते हैं या वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा। जिन लोगों से आप मिलेंगे आज, उनसे सकारात्मक ही बात करिए, आपको सीखने को भी मौका मिलेगा और सिखाने का भी। लव लाइफ के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। अपने माता पिता के लिए आपका अपने माता पिता के संबंध के बारे में बता सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के साथ भी समय अच्छा बीतेगा। स्टूडेंट पढ़ाई के दबाव को जरूर महसूस करेंगे, लेकिन अगर कड़ी मेहनत करोगे तो लक्ष्य पूरा कर लोगे और नींद पूरी न होने की वजह से आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। पुराने रोग खत्म हो जाएंगे, बेटरमेंट शुरू हो रहा है। लकी कलर रेड, नंबर 1 शुभ है। शुभ अल्फाबेट BIP है। OV से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदयकार दिशा दक्षिण रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त करके अपने शत्रुओं को परास्त करने की तरफ होना चाहिए। अपने कर्जे को खत्म करने, इनकम को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए।
आज नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा, नौकरी चेंज करना है तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। बिजनेस में आज बहुत अच्छी सेल हो सकती है, खरीदारी और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको लाभ देंगे। करियर के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में किसी कारण से चल रही दूरियां भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों की मदद से धन लाभ होगा, स्टूडेंट को सीनियर्स की मदद मिलेगी। लव लाइफ आपकी पहले से बेहतर है, कुछ हल्की फुल्की समस्याएं जरूर आएगी लेकिन निकल जाएगा। डाइजेशन की परेशानी दे सकती है और घर में लड़ाई झगड़ा या आपकी पुरुष की वजह से माहौल आज खराब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट AHO है, IP से दूरी बनाकर रखे, भाग्य उदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने संतान, एजुकेशन, मेमोरी, अपने पारिवारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। आर्थिक मामलों में दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, जो भी काम सामने आए उसे तुरंत पूरा कर लें। आज काम करने की बजाय अगर करवाने की ओर जाएंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। इंटरव्यू में सफलता या फिर विशेष एग्जाम जो आने वाले उसकी सफलता के लिए आज आपको नींव रखनी चाहिए, आज एग्जाम में तो लाभ मिलेगा। आपके लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर भावनाएं समझेंगे और आप थोड़ा सा इमोशनल आज हो जाएंगे। संतान से भी आपको लाभ अच्छा मिलने वाला है, लव लाइफ व्यवस्थित रहेगी। स्टूडेंट को आज अपनी सोच परिवर्तन लाने की तरफ ले जाना चाहिए और सकारात्मक सोच रख के चले, घबराएं नहीं, पढ़ाई से लाभ मिलेगा। गले में इन्फेक्शन की समस्या या हल्का फीवर आपको परेशान कर सकता है। लकी कलर ग्रीन, नंबर 6 शुभ है, शुभ अल्फाबेट CJV है, D और K से दूरी बनाकर रखें, भाग्योदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने माता के स्वास्थ्य और अपने इनकम पर होना चाहिए। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, किसी बड़े लाभ की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है जिसे कर्ज और देना जिसको वो खत्म हो सकता है। सरकारी कामों में आपको सफलता मिल सकती है और सरकारी टेंडर भी मिल सकते हैं। सरकारी जॉब वाले लोगों को लाभ मिल सकते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। आप दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। परिवार में आज भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी आप बना लेंगे। लव लाइफ में आज आप किसी के प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं। प्रपोज करने के लिए अच्छा दिन है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत और कड़ी तैयारी की जरूरत है जो आपकी पूरी नहीं है। सांसों संबंधित प्रॉब्लम आज आपको परेशान कर सकती है। लकी कलर ब्लू, नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट DKR है, L और S से दूरी बनाकर रखे, भाग्योदय कार्य दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने भाई बहन, अपने परिवारजनों की तरफ होना चाहिए, माता पिता की तरफ होना चाहिए। गुस्से पर नियंत्रण रखें, आज 2 बार या 3 बार आप गुस्सा करके अपना ही नुकसान करेंगे। कुछ खास मामलों में दोस्तों के साथ भरोसा न करें, याद रखिएगा कि बहुत सारे जान पहचान वाले लोग जान पहचान की तरफ ही होते हैं, दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त एक या दो ही ढंग के हो सकते हैं, उनकी मदद लेनी और देनी जरूर चाहिए। आप आज थोड़े से दुखी, टेंशन और डिप्रेशन या मानसिक रूप से परेशान जरूर नजर आएंगे। परिवार में पैसों के किसी मामले को लेकर उलझी हुई स्थिति को आप सुलझाने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। लव लाइफ में मनमुटाव हो सकता है, आपकी खुद की कमी, आपकी खुद की गलती, जुबान की वजह से आपको परेशानी आएगी। स्टूडेंट के लिए आज का दिन तनाव भरा रहेगा, थायराइड या गले की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। लकी कलर ब्राउन, नंबर 8 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ELS है, अशुभ MOT हो सकता है, भाग्योदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को हर हाल में आज आपको अपने पूरा ध्यान अपने कुटुंब में कैसे सुख शांति और समृद्धि बढ़ सके, हमारे परिवार वाले कैसे खुश हो सके, इस पर होना चाहिए और फाइनेंस पर होना चाहिए। नौकरी और कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन आपके आज एक अच्छे आइडिया से आपका दिन बेहतर गुजर सकता है। कोई नया ऑफर या किसी आकस्मिक धन लाभ की भी योजनाएं आज बन रही हैं। लोगों से मिलने या परिवार के साथ कहीं आगे जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आपका कार्यक्रम बन सकता है। लव लाइफ में कुछ खास होगा, स्टूडेंट को आज कैंपस में अध्ययन करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। कान और दांतों में दर्द परेशान कर सकता है। लकी कलर मैरून, नंबर 6 शुभ है, शुभ अल्फाबेट FMT है, G और N से दूरी बनाकर रखें, भाग्योदय कार्य दिशा पूर्व रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपनी मानसिक सोच को रखने में होना चाहिए और साइलेंट मोड में आज रहना चाहिए। देखिए दिन कितना बढ़िया गुजरता है, जितना कम बोलोगे आज उतना मजा आएगा। भविष्य के लिए कुछ विशेष योजनाएं आज बना सकते हैं, ट्रैवल के लिए और फाइनेंस के लिए भी, नए उद्यम के लिए जा सकते हैं। नौकरी चेंज करना, बिजनेस में नया परिवर्तन लाने के लिए आज एक आइडिया आपका बहुत काम करेगा। लोग आपके निजी जीवन में रुचि लेंगे, लोग कहीं इनके नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, उस पर आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई राज की बात आपको किसी को पता चल जाए तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, आगे मत फैलाइए। लव लाइफ में आपके संबंध आज पहले से बेहतर होंगे। आज पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आप पूरी कर पाएंगे। गले में तकलीफ और हल्का सा फीवर आपको परेशान कर सकता है। लकी कलर येलो, नंबर 9 शुभ है, शुभ अल्फाबेट GNU है, F और M से दूरी बनाकर रखें, भाग्योदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी।
वृश्चिक राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान आए हुए खर्चों को मैनेज करने का रहेगा। खर्चों के लेकर घबराए नहीं, इनकम पर ध्यान दीजिए। आज आपको बहुत ही सावधान रहकर चलोगे तो खर्चे भी कम हो जाएंगे, लाभ भी बढ़ सकता है। इससे आपको परेशानियों से बाहर निकलने में एक ताकत भी मिलेगी। किसी जटिल सवाल या समस्या का समाधान आज आपको किसी और की वजह से मिलेगा और लाभ मिलेगा। समय आज आपका खराब जरूर होगा और आप खुद ही उस समय को खराब करेंगे। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर सीखिए। परिवार में किसी करीबी पर पैसा खर्च हो सकता है। लव लाइफ में समस्याएं बढ़ सकती है। आज स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का बेहतर माहौल वो खुद बनाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आज चिंतित रहेंगे। लकी कलर व्हाइट, नंबर 7 शुभ है। शुभ अल्फाबेट एच जे एल है। अशुभ ई और आई हो सकता है। भाग्योदय कार्य दिशा दक्षिण रहेगी। धनुराशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने भाई बहनों की तरफ, स्पेशली बड़े ब्रदर या कजिन ब्रदर हो और अपने पिता की तरफ होना चाहिए। बिजनेस और वर्क प्लेस पर आज आपको कई तरह के ऑफर मिल सकते हैं, कई तरह की योजनाएं बन सकती है, कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको फैसला करना है सही क्या है और गलत क्या है। काम काज आज ज्यादा रहेगा, भागदौड़ भी ज्यादा रहेगी। उन काम को पहले निपटाएं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और कई बार डिस्ट्रैक्शन भी होगा, आलसी भी आपको परेशान करेगा। जो लोग बेरोजगार है उनके नौकरी लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फालतू की भागदौड़ आपकी खुद की वजह से होगी। जीवन साथी से अनबन आप खुद करेंगे। तो जब हम सब कुछ खुद ही कर रहे हैं तो हम खुद को क्यों नहीं बेटर बनाएं। लव लाइफ में झूठे आरोप लग सकते हैं। स्टूडेंट का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा और भागदौड़ के कारण शरीर में तनाव और थकान भी रहेगी। लकी कलर पर्पल, नंबर 6 शुभ है। शुभ अल्फाबेट आई एम यू है। बी जे से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा पूर्व रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने पिता की तरफ होना चाहिए, अपने कर्म और प्रोफेशन की तरफ होना चाहिए। जो भी आपका काम है, जिससे आपकी आमदनी होती है, उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट आज करिए। बड़ा लाभ की तरफ ले जा रहे हैं आपको। आपका कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन परेशान करेगा आज आपको। किसी डायलेमा में रहेंगे, ये करूं या वो करूं, वो करता तो ज्यादा बेटर रहता। आज लिए गए फैसलों पर आपको वापस पुनर्विचार करना चाहिए और लिए हुए पैसों को भी वापस लौटा देना चाहिए। आज आपके जीवन साथी या पारिवारिक मामले में शुभ कार्यों के दिन किसी बात का झगड़ा जरूर हो सकता है, तो साइलेंट रहेंगे तो झगड़ा कम होगा। लव लाइफ में किसी भी बात पर आसानी से रजामंदी नहीं होगी। स्टूडेंट को दोस्तों का साथ मिलेगा, टीचर का भी साथ मिलेगा। आज आपका मसल्स पेन परेशान कर सकता है। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 3 शुभ है। शुभ अल्फाबेट डी एफ आर है। एच और एस से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को हर हाल में आज अपना पूरा ध्यान अपने भाग्य को चमकाने और कर्म की तरफ होना चाहिए। भाग्य को चमकाइए, कर्म को बेहतर कीजिए, निश्चित रूप से आपके सारे सपने आज के दिन देखे गए साकार होंगे। लेन देन और निवेश के मामले में नई प्लानिंग आज आप कर सकते हैं। आपके आसपास चहल पहल का माहौल रहेगा, उसमें किसी से आप झगड़ा भी कर बैठेंगे। जीवन साथी से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लव लाइफ में भी ये सेम चीज हो सकती है। सुख मिलेगा, इसलिए आनंद करिए और आगे बढ़िए। स्टूडेंट के लिए आज का दिन किसी तनाव भरा रहेगा। समय थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करिए। छोटे रोगों को छोड़कर हल्की फुल्की परेशानियों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो दिन हेल्दी रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 5 शुभ है। शुभ अल्फाबेट जे ओ पी है। आर वी से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा दक्षिण रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने ससुराल और ननिहाल की तरफ होना चाहिए और वर्क प्लेस पर आपको इन दोनों से किसी प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा। आज जितना आप एकाग्र चित्र रहेंगे, ऑफिस के अंदर बिजनेस हो या जॉब हो, लाभ मिलेगा। हो सके तो 30 सेकंड क्यों ना हो, दिन में 5 बार प्रार्थना जरूर करिएगा। आपकी प्रार्थना आज कबूल होने वाली है। किसी नए काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। नए टास्क को लेकर आपको मेहनत ज्यादा करके अच्छे लाभ की तरफ ले जाया जा सकता है। आज आपका एक आइडिया आपके बिजनेस पार्टनर को या फिर आपके लाइफ पार्टनर को, लव पार्टनर को बड़ी सफलता दिला सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य जरूर होंगे। लव लाइफ में आज आप थोड़े से भावुक हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आज समय नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, इसलिए आपको इसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नाक कान में भी समस्या हो सकती है। लकी कलर लेमन येलो, नंबर 2 शुभ है। शुभ अल्फाबेट ए आर एस है। सी और जे से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कार्य दिशा पश्चिम रहेगी। राशिफल के बाद अब मैं आपको वो खास उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए भाग्योदय कारक बुधवार बना सकता है। आज आप गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हुए, क्योंकि सुबह तो घाट स्थापना करनी है, जब भी उसके बाद टाइम मिले आप गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हुए एक मंत्र बता रहा हूं जिसे आप नोट करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभम शुभदम कामदम चौव सिंदूरम प्रतिगृहताम। इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आपको गणेश जी का ध्यान करके फिर ही दिन के काम की शुरुआत करनी चाहिए। हमारी एक वेबसाइट है ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं।
और मैं आपको हमारी मासिक पत्रिका है ग्रहों का खेल, जिसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो आपके पूरे परिवार के लिए संपूर्ण भाग्योदय कारक पत्रिका हो सकती है, जिसके आर्टिकल्स पढ़कर निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी, जिज्ञासाएं शांत होगी और ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके लिए आप हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके पूरी मैगजीन की जानकारी ले सकते हैं। आपका आज का दिन बेहतर गुजरे, आपकी नवरात्रि सफल हो, माँ दुर्गा का हम सब पर आशीर्वाद हो, यही मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत देना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जीवन में हम सबको समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन अगर समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। हम सबको कोई भी तकलीफ जीवन में हो सकती है, ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद ही है, लेकिन कब दूर होगी, उसको माइल्ड करने के लिए कैसे हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे बरसात में हम छाता खोलते हैं तो बरसात थोड़ी बंद होती है, लेकिन हम नहीं भीगते हैं। तो हम अपने बचाव के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमारी जिंदगी में आ रही या आने वाली तकलीफों को कम या खत्म कर सकता है। इसके लिए आप मुझसे अपने शहर में पर्सनली मिल सकते हैं। 12th, 26th और 27th अक्टूबर को मैं दिल्ली में रहूंगा, 13th अक्टूबर को हैदराबाद, 14th अक्टूबर को बंगलुरु, 19th अक्टूबर को गुड़गांव, जिसे हम गुरुग्राम के नाम से आजकल जानते हैं, 20th अक्टूबर को रांची झारखंड, 21st अक्टूबर कोलकाता, 28th अक्टूबर को मुंबई में, और वहीं 29th अक्टूबर पुणे और 30th अक्टूबर को भोपाल में रहूँगा। इन शहरों में या इसके आसपास अगर आप रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। इसके लिए अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर को पूरा करने के लिए मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूं, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने पूरे प्रोसीजर को जान के आप मुझसे मिल सकते हैं। 0291-2799-000 और 9314-728165 और 9829-0266-25, इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए, इसका एक ही मार्ग है, वो है साधनाओं के पथ पर चलकर हमें खुशियां मिल सकती है। हम अगर गरीब या निर्धन पैदा हुए हैं तो हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हमें ऐसे ही मरना नहीं है। इसके लिए हमें माँ लक्ष्मी को मनाना है और माँ लक्ष्मी को हम मनाएंगे इस दीपावली के पंच दिवसीय महापर्व पर उन छोटी छोटी साधनाओं, छोटे छोटे प्रयोग और छोटे छोटे मंत्रों से। माँ लक्ष्मी 100% हमारे ऊपर कृपा बरसाएगी और हमारी हर खुशी को पूर्ण करेगी, क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद अगर हमें सही परिणाम नहीं मिल पाते तो निश्चित रूप से हम दुखी होते हैं। इसका रास्ता मैंने खोज लिया है, वो है पंच दिवसीय संपूर्ण महालक्ष्मी पूजा के द्वारा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पिछले जन्म का असर है, हमें मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता है, बिजनेस में मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता है, नौकरी में मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता है, घर में एक अशांति का वातावरण रहता है। तो याद रखिएगा, जिस घर में शांति है वहां सुख होगा और वहीं समृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमें शांति खोजनी होगी अपने भीतर। मैं आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के सभी विद्वान पंडितों के साथ आप सभी भक्तों, शिष्यों, साधकों के लिए और माँ लक्ष्मी के विशेष कृपा को आप तक पहुंचाने के लिए पंच दिवसीय संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट का हमने निर्माण किया है। नवरात्रि में उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य योग कर रहे हैं, उसके बाद ये आप सभी के घरों पर पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे जोधपुर कार्यालय में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने एड्रेस को नोट करवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सही और सटीक विधि से अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ये दीपावली हमारे लिए यादगार साबित होगी और यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829-0266-25, 9314-728165।